हम लोग वेक्टर में जो पिछले लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे, आज के लेक्चर में पढ़ाई होगी कि दो वेक्टर को किस प्रकार से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। मतलब उसका जो कि दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो कि जो प्रोडक्ट आएगा वह एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। और स्केलर प्रोडक्ट में क्या आता था, स्केलर आता था जिसलिए उसको और उसको सिंबल देते थे, डॉट देते थे दोनों के बीच में, इसलिए उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब की बार सिंबल देंगे क्रॉस, इसका नाम हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। और चूंकि ये वेक्टर आएगा दो चीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, इसलिए इसका नाम हो गया वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा डिफिनेशन लिख देते हैं पहले। वेक्टर प्रोडक्ट, the cross, the vector product of two vector, the vector product of two vectors is equal to multiplication of magnitude of two vectors and sine of angle between them। ए क्रॉस बी जो होगा तुम्हारा क्या होगा, तुमको अगर दो वेक्टर है ए क्रॉस बी और ये तुमको एक वेक्टर क्वांटिटी होता है एन एंगल बिटवीन देम, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू both vectors और एक विशेष प्रकार से परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन हो सकता है उसको, which is given by राइट हैंड, दो रूल है तुमको, राइट हैंड थंब और स्क्रू रूल, ये रूल बताएंगे अभी, राइट हैंड थंब और स्क्रू रूल। तो ये जो तुमको है रूल डायरेक्शन के बारे में से कि अगर मैग्नीट्यूड तुमको लिखना है, अगर एक लाइन में डिफिनेशन लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये जो वेक्टर हो गया तुम्हारा, जैसे कि ए और बी दो वेक्टर हुआ, जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में ये ए वेक्टर है और ये हो गया बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो ए क्रॉस बी क्या होगा तुम्हारा, ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा तुमको ये होगा मॉडुलस ए वेक्टर, मॉडुलस बी वेक्टर और साइन थीटा साथ एन कैप। थीटा जहां क्या हो गया, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर ये। तो ये तुमको दोनों के बीच का हो गया तुमको। अब एन कैप जो है तुमको डायरेक्शन क्या होगा इसका, इसकी चर्चा बची। और जहां तक कि एंगल है, जहां पे डॉट प्रोडक्ट में देखता था क्या होता था, तुमको डॉट स्केलर क्वांटिटी होता था इसलिए कोई डायरेक्शन नहीं होता था। और स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर, उसको स्केलर प्रोडक्ट भी इसलिए कहते थे क्योंकि वह स्केलर क्वांटिटी होता था। अब की बार क्रॉस उस वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहेंगे चूंकि ये जो आया वेक्टर क्वांटिटी आया और इसमें क्रॉस लिखा गया इसलिए उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। उसमें बिंदा देख लिखते थे मल्टीप्लाई करने का तरीका, डॉट लिख देते हैं उसमें और इसमें लिखते हैं क्रॉस। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब बात रह गई इसमें जो टॉपिक है बाकी, तो तुम्हें सब चीज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होता है वो जस्ट ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी लिखते हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए तुमको क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, इसके लिए तुमको अपने राइट हैंड थंब रूल, एक रूल है तुमको या स्क्रू रूल कहते हैं, पहले राइट हैंड थंब रूल देखते हैं। तो
तो उसमें क्या करना है, अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को क्या करना है, ए वेक्टर के लॉन्ग इसको आगे मतलब रखिए, इसको कैसे रखना है, ये जो राइट हैंड है उसको ए वेक्टर की तरफ रखना है, और ए वेक्टर तरफ, और इस प्रकार रखना है कि वह इसको स्ट्रेच करें ए वेक्टर के अलोंग, और इस प्रकार इसको कर्ल करें कि हमारा उंगली जो फिंगर है वो सिर्फ फिंगर, नॉट ये हथेली नहीं, पाम नहीं, बल्कि सिर्फ फिंगर, फिंगर बी वेक्टर की ओर मुड़ सके। तो स्ट्रेच थंब जो है तुम्हारा, ये तना हुआ अंगूठा, ये क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। इसको मैं लिखता हूँ फिर से देखो, एक बार मैं लिख भी देता हूँ, समझ में आएगा। स्ट्रेच योर राइट हैंड फिंगर अलोंग ए वेक्टर इन सच ए वे दैट द फिंगर कैन बी कर्ल्ड टुवार्ड्स बी वेक्टर। द स्ट्रेच थंब gives the direction of A cross B, give the direction of A cross B। ये स्ट्रेच थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ A cross B। जैसे कि तुमको यहाँ पर देखें A B का यहाँ पर डायरेक्शन है, A cross B का डायरेक्शन यहाँ पर निकालते हैं इसी एग्जांपल में हम लोग। तो एक क्या हुआ, पहले राइट हैंड को ए वेक्टर, जहाँ यहाँ पर जो कह रहे हैं कि अपने राइट हैंड को इधर की ओर फैलाना है, राइट हैंड को इस डायरेक्शन में फैलाने के चार तरीके हो सकते हैं। ऐसे मैं डायग्राम पूरा लिख देता हूँ, ये तो तुमको समझ में आ गया होगा, इसका डिफिनेशन लिख लिया होगा। इसका डिफिनेशन लिखने के बाद मैं डायरेक्शन को फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरे बोर्ड पे। डायरेक्शन को लिख लिया होगा तुमको, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है कि अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड फिंगर्स को पहले वेक्टर ए की ओर क्या करना है, हमको पहले एक वेक्टर ए की ओर हमको मोड़ना है, पहले वेक्टर ए की ओर स्ट्रेच करना है, और इस तरह से स्ट्रेच करना है कि वह जो तुम्हारा जो हमारा फिंगर है वह किधर की ओर मुड़ सके, सेकेंड वेक्टर बी की ओर क्या हो सके, मुड़ सके। तो जो हमारा स्ट्रेच थंब होगा, जो तना हुआ अंगूठा होगा, वह किसको दिशा को बताएगा, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बताएगा, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा वो। फिर से इसको देखते हैं, तो पहले अपने राइट हैंड थंब फिंगर को किधर की ओर कर्ल करना है, किधर स्ट्रेच करना है, इसका देखो डायरेक्शन में दिखाता हूं। ये मान लेते हैं ए वेक्टर है और इधर की ओर बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी किधर होगा देखते हैं, इसका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा। तो पहले अपने दाहिने हाथ की उंगली को एक की ओर रखे, एक क्रॉस बी लिख, तो एक की ओर रखे हम, और हमारा देखो उंगली जो है तुमको बी वेक्टर की ओर मुड़ रहा है, तो ये हमारा स्ट्रेच थंब, ये तना हुआ रहना चाहिए, ऊपर की ओर दे रहा है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तुम्हारा जैसे कॉपी में बनाओगे तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सीट लिख सकते हैं इसको, ए क्रॉस बी, ये ए वेक्टर है, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, जो कि जाता हुआ ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। ये ए क्रॉस बी, ए की ओर रखे, बी की ओर मोड़े, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में ये जाता हुआ दिख रहा है। तुम्हारा दूसरा है तुमको, जैसे कि आउटवर्ड डायरेक्शन जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हमेशा इसको कहते हैं कि इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो गया तुम्हारा, ए क्रॉस बी इस ढंग से हो गया। और इसी में देखें ए क्रॉस बी, अगर ये तुमको बी क्रॉस ए करेंगे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए लिखते हैं। अब जैसे बी क्रॉस ए करना हो तो क्या करेंगे, पहले बी के तरफ अपने दाहिने हाथ को रखेंगे, बी क्रॉस ए के लिए जैसे क्या करेंगे, बी क्रॉस ए के लिए, बी क्रॉस ए इज
अलोंग इनवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल माइनस होता है तो वो देख लेते हैं, देखो करके भी दिखाते हैं, वो परपेंडिकुलर होगा इनवर्ड नॉर्मल, देखो बी क्रॉस ए इसलिए माइनस लिखा जाता है, बी के तरफ रखेंगे हाथ को, देखो ऐसे अगर रखे तो ये ए की ओर नहीं मुड़ रहा है, ए इधर है ये नहीं मुड़ पा रहा, इसलिए ये रखा हुआ गलत होगा, इसके रखने का ये तरीका गलत है। तो अब देखो दूसरा तरीका है ऐसे रखो इस ढंग से, तो ये ए की ओर मुड़ रहा है तो ये अंगूठा किधर जा रहा है अंदर की ओर, तो ये बी क्रॉस ए हो गया इनवर्ड, ये अंदर की ओर हो गया, और ए क्रॉस बी में देखो ऐसे हो गया ऊपर की ओर। अब तुमको ए क्रॉस बी में क्या होगा, ऐसे फैलाए तो इधर एक बी की ओर मुड़ गया तो एक ऊपर की ओर उठा गया तो ऊपर, बी क्रॉस ए मतलब किधर गया अंदर की ओर तो इसे नीचे की ओर होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा और डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, इसलिए क्या लिखाएगा ये दोनों माइनस का अंतर होता है, ये डायरेक्शन के अंतर होने के कारण ये निगेटिव होता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अब दूसरा एक फिगर देते हैं, दूसरा फिगर का मतलब हो गया कि अब तुमको जैसे कि ए वेक्टर तुम्हारा हुआ, ए वेक्टर तुम्हारा मान लेते हैं कि तुम्हारा जैसे भी रहे एक वेक्टर तुम्हारा ए हो गया, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, अब ए के तरफ रहने के चार तरीके होते हैं, ए के तरफ में जैसे कि तुमको और भी एग्जांपल्स आते जाएगा, ए की ओर फैलाने के जैसे एक तरीका ये था, एक तरीका ऐसे था, एक जो अभी फैलाए ऐसे, एक इस ढंग से रख सकते हैं उंगली को जो ए की तरफ रखे, बी अंदर की ओर होगा जो कि बोर्ड के अंदर अगर बी होगा ऐसे तो उसमें मुड़ेगा, और एक ऐसे तरीका हो सकता है जब बोर्ड के ऊपर की ओर जाएगा ये तुम्हारा तो ऊपर की ओर मोड़ेंगे। तो ए क्रॉस बी तुमको ए की तरफ रखने के चार तरीके हैं, जो उसमें सुटेबल हो उसको फॉलो करना है। जैसे इसमें मैंने पहली बार भी सही कर दिया था, इधर ए रखे और इधर बी मुड़ गया, इधर रखते तो बी नीचे जाता तो ये गलत होता, इधर भी रखेंगे तो अंदर जाएगा तो गलत होगा, इधर भी रखेंगे ऊपर तो ये गलत होगा, इसलिए अंगूठा ये रॉन्ग होता, ये सही तुम्हारा जो है ए क्रॉस बी ऊपर की ओर हुआ। तो ये चार तरीका से मुड़ता है। जैसे कि अब हम लोग डायरेक्शन जैसे कि करेंगे यूनिट वेक्टर का करके देखते हैं, यूनिट वेक्टर मतलब आई जे के, तो यूनिट वेक्टर का जब हम लोग डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें भी हम लोग उंगली के आधार पर करके देखेंगे। तो लिख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ये होता है I क्रॉस I बराबर मॉडुलस I, मॉडुलस I इंटू साइन जीरो इंटू एन कैप, दोनों x डायरेक्शन के लॉन्ग होता है, दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया तो साइन जीरो जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो गया। इसी तरह से j क्रॉस j भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसमें भी जीरो हो जाएगा, और k क्रॉस k भी जीरो हो जाएगा, जिसमें डॉट प्रोडक्ट होता था I डॉट I वन होता था, और इसमें आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे डॉट जे उसमें वन होता था, इसमें जीरो होता है, उसमें जे क्रॉस के क्रॉस के इसमें जीरो हो गया, उसमें के डॉट के वन होता था। तो ये तुमको हो गया। अब दूसरा से करते हैं आई क्रॉस जे करते हैं, आई मीन आई क्रॉस जे था, आई होता है किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मॉडुलस ए मॉडुलस बी जैसे लिखते थे तो मॉडुलस जे हो गया, और दोनों के एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक वाई एक्सिस, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना, और एन कैप जो तुम्हारा होता है इसका डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे। तो इधर हो गया तुमको पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वन इंटू वन इंटू वन इंटू एन कैप, दैट्स इक्वल्स टू एन कैप। अब है तुमको ये आई कैप इधर है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर हो गया तुमको y एक्सिस, और इधर हो गया तुमको z एक्सिस। तो z एक्सिस होता है ऊपर की ओर, इधर जिसको हम लोग इधर की ओर दिखाते हैं, तो z एक्सिस इधर है। तो इसमें देखते हैं पहले अपने दाहिने हाथ के उंगली को हम लोग i क्रॉस j करना चाह रहे हैं, तो अपना i के तरफ रखेंगे इसको, और ये मेरा उंगली अगर इस ढंग से रखते हैं तो हमारा ये सही ही डायरेक्शन लग रहा है j की ओर, देखो y की तरफ ये मुड़ रहा है, तो अंगूठा तुम्हारा किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, दैट इज k वेक्टर। ऊपर की ओर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, k वेक्टर। तो फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल n कैप जो हो गया तुम्हारा किसके बराबर हो गया, k कैप के इक्वल हो गया, फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल, फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक ये क्या हो गया, के कैप हो गया, आई क्रॉस जे हो गया के कैप। और जे क्रॉस आई जब करेंगे अब, जैसे कि जे क्रॉस आई, तो ये क्या होगा तुमको, यहाँ यहाँ भी मॉडुलस जे होगा, मॉडुलस आई, दोनों के बीच का एंगल फिर एक्स और वाई के बीच 90 होगा, और फिर एन कैप होगा। तो जे क्रॉस आई जब करेंगे तो यहाँ पर ही करके दिखाते हैं, जे की तरफ रखेंगे और आई की तरफ मोड़ेंगे, तो इधर रखेंगे तो ये तो जैसे ये तो मुड़ेगा नहीं,
ये तो जैसे जे की तरफ रखेंगे तो आई की तरफ इधर नहीं मुड़ेगा, तो इसको किधर रखना होगा, इस ढंग से रखेंगे। तो देखो जे की तरफ रखे, आई की तरफ ये देखो मुड़ रहा है, अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, तो ये चीज माइनस के, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो जाता है इसका, माइनस के हो जाता है तुम्हारा, ये डायरेक्शन हो गया तुमको। तो जे क्रॉस आई हो गया तुमको वन इंटू वन इंटू एन कैप, दैट्स इक्वल्स टू एन कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल। स्क्रू रूल का मतलब ये होता है, जैसे कि तुमको स्क्रू जो खोलते होगे, जो कि तुम देखते होगे थंब मतलब स्क्रू ड्राइवर से, तो अगर हम लोग किस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो ऊपर जाएगा स्क्रू या नीचे जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किधर से जाएगा। तो खैर राइट हैंड थंब रूल से ही काम करो, उससे भी काम हो जाएगा, राइट हैंड स्क्रू रूल से भी काम होता है, एक सीख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। परीक्षा में ये नहीं पूछता राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल क्या, डायरेक्शन निकालने देगा तो वो तुम एक से डायरेक्शन जो राइट हैंड थंब रूल से ही कर लो, कन्फर्म हो जाओगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड स्क्रू रूल में बताया जैसे कि तुम्हारा जो स्क्रू जो कि खोलते स्क्रू ड्राइवर से, कि जैसे कि कोई मतलब किस डायरेक्शन में हम लोग घुमाते हैं तो वो या तो स्क्रू ऊपर जाता है, या तो ऊपर खुलता है, या तो कसाता है, तो उसके मुताबिक क्या होगा तुमको, अब उसको ऊपर के कह सकते हैं या नीचे कह सकते हैं, या तुमको राइट हैंड थंब रूल में जो बता रहे हैं, जो बार बार उसी को प्रैक्टिस करने के लिए सिखा रहे हैं, उसी को सीखो। तो आई क्रॉस, अच्छा तो और क्या तुम्हारा था, अब तुम्हारा अभी तक इसका वेक्टर का हुआ, अब तुमको दूसरा दिखाते हैं, आई क्रॉस जे हुआ और जे क्रॉस आई हुआ, अब जे क्रॉस के दिखाते हैं, लिखते हैं, लिख लिया होगा उम्मीद है, और नहीं तो लिखा होगा तो अपना पीछे करके लिख लेगा वीडियो। जे क्रॉस के इसमें क्या होगा, मॉडुलस जे और जे और के, वाई और जेड के बीच का एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री, तो इंटू एन कैप, तो वन इंटू वन इंटू वन इंटू एन कैप। अब जे क्रॉस के है तो जे तुम्हारा हो गया इधर आई, इधर जे और इधर के है, के किधर होता है, ऊपर की होता है, तो अपने दाहिने हाथ को जे की ओर रखिए और के की ओर मोड़ दीजिए। जे देखिए मैंने बिल्कुल करेक्ट रख दिया है, जे की ओर रखा, ये मेरा उंगली ऊपर की ओर मोड़ रहा है के की तरफ, इसका मतलब चार तरीका मैंने बताया था, देखो जैसे ऐसे रखता तो इधर भागेगा ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे रखोगे तो भी ये इधर एक्स की ओर आ रहा है ये नहीं जाएगा, अगर तुमको ऐसे रखें तो ये माइनस अंदर की ओर जाएगा, ये भी गलत होगा, तो ये इट इज द करेक्ट डायरेक्शन, ये अंगूठा किधर जा रहा है, एक्स की तरफ दिखाता है बिल्कुल। तो इसका मतलब हो गया ये तुम्हारा हो गया, तो एन कैप का मतलब आई कैप हो गया, ये कितना हो गया, आई कैप हो गया। तो ये तुमको एक बात तो देख रहा होगा कि दो का करते हैं तो हमेशा तीसरा आता है, तो के क्रॉस जे करेंगे तो वो कितना आएगा, माइनस आई कैप आएगा, ये तो पहले डायरेक्शन ओपोजिट होगा ही। अब करके दिखाते हैं के क्रॉस जे, के का मतलब देखो, के का मतलब पहले ऊपर के हाथ को रहना चाहिए और जे के तरफ क्या होना चाहिए, मुड़ना चाहिए। देखो जैसे ऐसे हाथ रख दिए के की तरफ, ये उंगली मेरा जे की तरफ मुड़ रहा है, अंगूठा देखो माइनस आई की तरफ जा रहा है। फिर से करके दिखाते हैं जे, तुम अपना कॉपी में जब करोगे तुमको ऐसे हो जाएगा के, ऐसे खड़ा होगा तुम्हारा कॉपी में, तुम्हारा कॉपी नीचे है तो ये ऊपर होगा, ऐसे ये के हो गया और तुम्हारा जे की तरफ मुड़ा, देखो ये इधर माइनस आ जाएगा, और मेरा जो बोर्ड है वर्टिकल प्लेन है, तुम्हारा कॉपी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो तुम्हारा जैसे इसमें करेंगे तो जे के की तरफ तो मतलब ऐसे रखेंगे हम हाथ, और जे की तरफ मुड़ा तो इधर जाएगा, तो तुम्हारा प्लेन दोनों का अलग अलग है, के क्रॉस जे माइनस आई हो गया। एक और बच गया सेट, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई तुम्हारा जे होता है, डायरेक्शन घुमा के देख सकते हो, आई क्रॉस जे आई क्रॉस के माइनस जे होगा, तो इसको भी देख सकते हो आई क्रॉस के करके देख लो, आई क्रॉस के करेंगे तो आई की तरफ रख देंगे और ऊपर हाथ मुड़ना चाहिए, देखो जे के विपरीत जा रहा है इधर नीचे, और के क्रॉस आई तो के ऊपर रखे आई की तरफ मुड़ेगा, देखो जे की तरफ जाएगा, तो तुम्हारा ये सब डायरेक्शन बता दिए। तो इसमें याद करने का तरीका है कि दो को करते हैं तीसरा की ओर जाता है, तो याद करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका ये होता है, जैसे हाथ घुमा करके तुम अपना प्रैक्टिस करोगे, जैसे एक तीसरा तरीका एक शॉर्टकट तरीका तो ये है कि इस जैसे आई जे के यहाँ लिख दें, आई जे और के, आई जे के लिखें तो दो को करेंगे तो तीसरा, अगर ये को दो से डायरेक्ट इन दोनों से पहला तीनों में जैसे है आई क्रॉस जे, पहला से दूसरा डायरेक्ट जाना है, आई क्रॉस जे करेंगे तीर के डायरेक्शन में गए तो प्लस, अगर जैसे के क्रॉस आई करेंगे तो ये भी तीर के डायरेक्शन में गया तो प्लस जे तीसरा हो गया, और आई क्रॉस के करेंगे तो तीर के विपरीत जाना पड़ा एरो के, आई क्रॉस के करेंगे तो आई के डायरेक्ट पहुंचना है ना, तीसरा बीच में आना चाहिए, आई क्रॉस के करेंगे तो तीर के विपरीत जाना पड़ा तो माइनस, और के क्रॉस आई तीर के डायरेक्शन में तो प्लस, कि जे क्रॉस के तीर के डायरेक्शन में गए तो जे और के तो तीसरा आई, और के क्रॉस जे करेंगे तो उल्टा चलना पड़ेगा माइनस आई, ऐसे करके याद भी रख सकते हैं इसको। याद करें यार, तो हाथ से प्रैक्टिस करोगे, ये शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है, हाथ से प्रैक्टिस करने आना ही चाहिए, नहीं तो तुमको बहुत से क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा। तो शॉर्टकट का तो अपना हो सकता है, लेकिन जिसको जो प्रैक्टिस बार बार करो अपनी तुरंत हो जाता है। अब है तुमको इसका जो कोई क्रॉस प्रोडक्ट का जैसे एक आध क्वेश्चन दे देते हैं, जो कि तुम निकालने के लिए तुम निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट करके।
तो कैलकुलेट या क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए क्रॉस बी बराबर आई प्लस जे प्लस के क्रॉस टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के। आई क्रॉस टू आई तो क्या हो गया, पहले आई क्रॉस आई तो जीरो होता है, आई को टू आई इसके तो जीरो हो गया। आई क्रॉस के है, आई क्रॉस जे है तो थ्री के हो गया, थ्री तो हो गया, वन इंटू थ्री थ्री हो गया, और आई क्रॉस जे को क्या लिखते हैं हम लोग, के लिखते हैं। आई से पहले सबको कर देते हैं, फिर क्या होगा तुमको फोर है, तुमको फोर हो गया, और प्लस के है तुमको आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा तुमको आई की तरफ रखना हाथ को के तरफ, तो माइनस आई के ऊपर माइनस जे, तो ये लिखाएगा माइनस फोर जे हो गया, ये माइनस फोर जे हो गया। चलो और अब इधर आते हैं, अब के से स्टार्ट करते हैं, मतलब आई का खत्म हो गया, अब जे का करते हैं। तो जे का करेंगे तो जे क्रॉस आई, टू आई है जे क्रॉस आई तो माइनस टू के, ये हो गया माइनस जे क्रॉस जे जीरो हो गया, और जे क्रॉस के हो गया तुमको फोर, जे क्रॉस के आई होता है, जे क्रॉस के आई हो गया। अब के से करेंगे तो के क्रॉस आई क्या होगा तुमको, जे हो जाता है, के क्रॉस आई जे हो जाता है, दैट इज टू जे, के क्रॉस जे माइनस आई तो माइनस थ्री आई, और के क्रॉस के जीरो। तो आई में तुम्हारा क्या हो गया, आई में आ गया तुमको, आई में तुमको आ गया तो आई में देख लो कितना आ गया तुमको, आई में कितना आ जाएगा, आई में आ गया तुमको दो जगह आई है, दोनों को माइनस प्लस करके देखो कितना आ जाएगा, तो दैट इज आई आ गया, प्लस आई आ गया। चलो इसका क्या आ जाएगा, प्लस आई आ गया घट करके। तुम्हारा दूसरा है जे में देखते हैं, जे में आ जाएगा तुमको माइनस टू जे, माइनस टू जे। उसके बाद तुम्हारा आ गया के में देखते हैं, तो के में आ जाएगा तुमको दैट इज प्लस के आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा, ये भी क्या आ गया, माइनस के आ गया तुमको, तो माइनस के, तो ये तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू हो गया। तो ठीक है, तुम्हारा ये तुम्हारा लग रहा है इसका ये वैल्यू आ गया तुम्हारा। जे में आ गया तुमको, जे में आ गया तुमको माइनस में आ गया, और बाकी इसमें के में भी तुम्हारा माइनस ही आ गया, तो ये तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू हो गया। तुमको इसको घटा कर देख सकते हो, कैलकुलेशन चेक कर लोगे। तो आई क्रॉस में क्या ध्यान रखना है, आई क्रॉस आई जीरो हो गया, आई क्रॉस जे क्या हो जाता है के, और जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस जे माइनस आई। और तुमको डायरेक्शन के आधार पर भी, तीर के एरो के आधार पर भी तुम डायरेक्शन कर सकते हो या हाथ घुमा कर लोगे, तो इस ढंग से तुम क्या कर सकते हो, इसका वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे तुमको क्रॉस प्रोडक्ट का जो है, तुमको जो कि इसका जो ज्योमेट्री में क्या मीनिंग है, और कभी भी जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना हो या साइन थीटा भी निकालना हो, तो ध्यान रखो कि वो एंगल जब भी निकलता है डॉट प्रोडक्ट से ही निकलता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से जब साइन भी थीटा निकालते, क्रॉस निकाल के फिर साइन निकाल लोगे, तो कभी भी एक क्वेश्चन का इस ढंग से पूछा जाता है कि इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल का साइन थीटा निकालें, तो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं जाओ, चूंकि एन कैप निकालने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इससे नहीं बनेगा। एंगल निकालने के लिए हमेशा किसी का प्रयोग करोगे, डॉट प्रोडक्ट का, जो कि पिछले बिल लेकर, तो उसे कॉस थीटा निकल जाएगा, और कॉस थीटा के हेल्प से अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके क्या निकालेंगे, साइन थीटा। तो ये सावधानी रखोगे, ध्यान रखो क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल निकालना मुश्किल होगा, उसमें एन कैप के कारण दिक्कत हो जाएगा। तो हमेशा एंगल किसे, या साइन थीटा रहे या कॉस थीटा, किससे किसके हेल्प से जाना है, डॉट प्रोडक्ट से जाना है। और इसका जो तुमको वेक्टर का मीनिंग या तुमको ज्योमेट्रिक मीनिंग जो है, जो कि ट्रायंगल का देता है तुमको, एरिया के बराबर के डबल के बराबर होता है, या पैरेलोग्राम के एरिया के इक्वल होता है, इन सबों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई करेंगे। तो तुम्हारा ये था तुम्हारा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, तुम्हारा जो क्वेश्चन है एससी वर्मा हो या तुमको एक्सरसाइज, तुमको वेक्टर प्रोडक्ट जो दिया हुआ है तुमको, जाकर के चैप्टर तुमको वर्क एनर्जी के बाद जो चैप्टर है तुम्हारा, दैट इज
वो एनसीईआरटी बुक में उसके बाद दिया हुआ है। अच्छा, तुमको वेक्टर में इसी में पढ़ा दिए हैं, तुम आगे जाकर उसमें भी देख सकते हो, या एनसीईआरटी नवा बुक में 1 to 19 क्वेश्चन अब तुमको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज जो कि 2 है उसको बनाओगे और एग्जाम्पल वगैरह भी उसका बनाओगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। जो इसको भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे पर्सनली भी संपर्क कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत है, पर्सनली भी कोई मदद चाहिए, किसी भी चीज़ को टॉपिक को समझना हो, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, पर्सनल मेंटोर के रूप में तुम हमको गाइड के रूप में चूज कर सकते हो। उस ऐप पर तुमको लाइव क्लासेज या तुमको डाउट क्लासेज इन सारे भी उपलब्ध हैं। बोर्ड के लिए तुमको चाहिए तो उसको जो स्कूल में एग्जाम के लिए तो नोट्स भी तुमको उसमें उपलब्ध हैं। जो जेई मेन्स एडवांस नीट इन सबों की तैयारी करना चाहते हो वो निश्चित रूप से ऐप का यूज करो। उसके साथ साथ तुम हमसे संपर्क भी कर सकते हो, जहां भी दिक्कत होगी उसका हेल्प किया जाएगा। और तुमको जो भी डाउट आ रहा है मन में, तुमको बेहिचक तुम जाकर के उस पर मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर उसमें दिया हुआ है, तुम हमसे संपर्क करो और जो भी तुमको दिक्कत है तुम कभी भी हमसे मदद ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करें। क्रॉस प्रोडक्ट का तुम यूज करो, वेक्टर का तुमको 1 to 19 एस्टीमेट का बनाओ, और तुमको जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तुम हमसे संपर्क करो। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।